10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहले पंजाब की पराली के ऊपर जिम्मेवारी ठहराई जाती थी, अब पंजाब में गलती से सरकार उनकी बन गई है तो पंजाब को जिम्मेवार नहीं ठहराए जा सकते। तो त्योहारों के ऊपर वो इस तरह का प्रतिबंध लगाकर दिल्ली की जनता को हैरान परेशान कर रहे हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, रोडों में गड्ढे हैं, इससे ट्रैफिक बहुत जाम रहता है जिससे पॉल्यूशन होता है, स्मोक टावर दिल्ली में फेल हो गए। तो इन सब बातों पर ध्यान न देकर उस पूरे साल में जो 4-5 दिन पटाखे के होते हैं, दशहरा दिवाली, बहुत दिल्ली में पटाखे जलते नहीं है, लेकिन ये त्योहार अपने आप में खुशी उल्लास का होता है जिससे पटाखों से खुशी बढ़ती है। लेकिन बैन करके आम आदमी पार्टी अपनी विफलता के ऊपर पर्दा डालना चाहती है। पटाखों की जिम्मेवारी दिल्ली के प्रदूषण की नहीं है, आम आदमी पार्टी की अदूरदर्शिता और उनका अपना निकम्मापन है कि जो आज दिल्ली कई महीनों तक प्रदूषण की मार झेलती है और दिल्ली को प्रदूषण की छुट्टियां मिलने लग गई। तो इतनी बड़ी दिल्ली की हालत जो कर दी है, आम आदमी पार्टी के अपने किए हुए प्लानिंग उसके लिए जिम्मेवार है। 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहले पंजाब की पराली के ऊपर जिम्मेवारी ठहराई जाती थी, अब पंजाब में गलती से सरकार उनकी बन गई है तो पंजाब को जिम्मेवार नहीं ठहराए जा सकते। तो त्योहारों के ऊपर वो इस तरह का प्रतिबंध लगाकर दिल्ली की जनता को हैरान परेशान कर रहे हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, रोडों में गड्ढे हैं, इससे ट्रैफिक बहुत जाम रहता है जिससे पॉल्यूशन होता है, स्मोक टावर दिल्ली में फेल हो गए। तो इन सब बातों पर ध्यान न देकर उस पूरे साल में जो 4-5 दिन पटाखे के होते हैं, दशहरा दिवाली, बहुत दिल्ली में पटाखे जलते नहीं है, लेकिन ये त्योहार अपने आप में खुशी उल्लास का होता है जिससे पटाखों से खुशी बढ़ती है। लेकिन बैन करके आम आदमी पार्टी अपनी विफलता के ऊपर पर्दा डालना चाहती है। पटाखों की जिम्मेवारी दिल्ली के प्रदूषण की नहीं है, आम आदमी पार्टी की अदूरदर्शिता और उनका अपना निकम्मापन है कि जो आज दिल्ली कई महीनों तक प्रदूषण की मार झेलती है और दिल्ली को प्रदूषण की छुट्टियां मिलने लग गई। तो इतनी बड़ी दिल्ली की हालत जो कर दी है, आम आदमी पार्टी के अपने किए हुए प्लानिंग उसके लिए जिम्मेवार है।